हाय स्कॉलर्स, वेलकम टू आवर चैनल एकेडेमिया अनलिमिटेड। 28 दिसंबर 2021 एक ऐतिहासिक दिन था जब सिरोही के माउंट आबू में महाराव सुल्तान की प्रतिमा का अनावरण हुआ। महाराव सुल्तान हमारे इतिहास की वो महान विभूति हैं जिनके बारे में दुर्भाग्यवश हम ज़्यादा नहीं जानते। मात्र 12 वर्ष की आयु में महाराव सुल्तान विक्रम संवत 1628 यानी कि ईस्वी सन 1571 में सिरोही राज्य के राजा के रूप में गद्दी नशीन हुए। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की सबसे बड़ी बात ये थी कि इन्होंने मुगल पराधीनता को कभी भी स्वीकार नहीं किया और हमेशा मुगल शाही सेना से लोहा लेते रहे और अपने सिरोही राज्य को स्वतंत्र रखा। इन्होंने अपनी सैन्य शक्ति और कूटनीतिक दक्षता से 52 युद्ध 52 बैटल्स लड़े और कई बार शाही सेना के पांव उखाड़ दिए। इन युद्धों में से सबसे महत्वपूर्ण थे दत्तानी का युद्ध, नितोड़ा का युद्ध और वास्तानेश्वर का युद्ध। महाराव सुल्तान ने न केवल अपने राज्य सिरोही को पराधीनता से बचाया बल्कि उस समय के महान स्वतंत्रता सेनानी मारवाड़ के राव चंद्रसेन और मेवाड़ के प्रातः स्मरणीय शासक महाराणा प्रताप की भी खूब सहायता की। मुगलों से लोहा लेते वक्त जब राव चंद्रसेन और महाराणा प्रताप को शरण लेने की आवश्यकता हुई तो महाराव सुल्तान ने इनको अपने राज्य सिरोही के दुर्गम पहाड़ियों में पनाह दी। ये एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण बात है। 28 दिसंबर के समारोह में मुझे मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य था क्योंकि हमारे पूर्वज राजस्थानी भाषा के महान कवि श्री दुरसा जी आढ़ा महाराव सुल्तान के समकालीन थे। श्री दुरसा जी आढ़ा ने दत्तानी के युद्ध में भाग भी लिया था और महाराव सुल्तान ने उन्हें सम्मान देते हुए अपना प्रपौली पात्र या पाट बरदाई भी या कविराज नियुक्त किया था। श्री दुरसा जी आढ़ा ने महाराव सुल्तान के सम्मान में दो साहित्यिक रचनाएँ भी रची जिनका नाम है महाराव सुल्तान रा झूलना और महाराव सुल्तान रा मरसिया। महाराव सुल्तान जैसे महान व्यक्तित्व को कोटि कोटि नमन। स्कॉलर्स, समारोह में दिए हुए मेरी स्पीच या भाषण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कैप्टन साहब, आईजी साहब, एसडीएम साहब, एमपी साहब, ऑल द ऑगस्ट गैदरिंग, अ वेरी गुड आफ्टरनून। इट्स अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी दैट आई हैव बीन इनवाइटेड फ्रॉम जयपुर टू दिस वंडरफुल इवेंट ऑन दिस ब्यूटीफुल डे इन माउंट आबू। आई एम हिस्टोरियन, आई टीच हिस्ट्री, आई हैव टॉट एट a couple of universities and now I'm based in Jaipur. So I'm going to speak like a historian, so please be prepared for a boring lecture. First of all, I would like to say that it's a great honor for me to be invited at this event. मुझे अगर पद्मश्री पद्म विभूषण भी मिल जाता तो इससे बड़ा मेरे लिए कोई भी सौभाग्य नहीं हो सकता था। And I'm getting a bit emotional, but it's a true fact that there have been times when people have bled for ideals, for honors, and Maharaj Sultan and all the men who bled with him, I'm sorry, but they've fought for ideals. So, मैं आपके सामने तीन बातें रखूंगा। The first one that I want to share with you is a confession. The second thing that I would like to share with you is an observation. And in the last, I would leave all of you with a promise. Speaking of the confession, I had the privilege of studying at the best schools. I attended St. Stephen's College, Delhi. I studied history from JNU. आप सबने JNU का नाम सुना होगा, बहुत news में रहता है, कन्हैया कुमार वाली JNU. But I regret to say that despite being taught by the best historians of the nation and abroad, there were a few characters of our history जिनका commensurate level में mention नहीं मिलता है. It's a very बहुत ही ये विडंबना की बात है। इट्स एन आयरोनिकल थिंग दैट बीइंग इंडियंस वी आर नॉट टॉक्ट अबाउट देम। एंड आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू महाराव सुल्तान इन 2009 एट द राजस्थान हिस्ट्री कांग्रेस वेयर महाराव साहब पधारियोड़ा बैठे और अरुण शर्मा पधारियोड़ा एंड देन दे टॉट मी अबाउट द सैक्रिफाइस ऑफ दिस ग्रेट मैन। एंड देन आई रियलाइज्ड एज अ स्टूडेंट दैट इन आर नेशन, आज के भारत में इतिहास को पुनः जीवित करने की आवश्यकता है, हमारे छात्रों को आने की बहुत जरूरी है आवश्यकता।
And then I started discovering this great legend, this great man. After being a PhD student from all, and getting all my degrees, which were of no use. Coming to the second part of the lecture, which is the observation, आप जान के हैरान हो जाएंगे कि महाराव सुल्तान का कितना गौरव में इतिहास रहा है. We all know about the Battle of Dattani, where the imperial forces were routed. But there were a couple of more occasions, दो तीन और लड़ाइयां हुई थी, युद्ध हुई थी, जिसमें शाही सेना के परखच्चे उड़ा दिए गए थे. और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि मुगल फोर्सेस की सबसे बड़ी जो खासियत थी वो था उनका आर्टिलरी, वो उनका तोपखाना था. डिस्पाइट फेसिंग द आर्टिलरी, डिस्पाइट फेसिंग द कैनन फायर, सिरोही के जो जाबाज लड़ाके थे उन्होंने इंपीरियल फोर्सेस के छक्के छुड़ा दिए. एंड दिस इज अ ग्रेट टेक अवे, ये हमें हमारे छात्रों को पढ़ाना है. नॉट ओनली छात्र, यहां पर मेनी पीपल फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस हियर. The military strategy of Maharana Pratap, the military strategy of Maharaj Sultan should be taught at Wellington, should be taught at NDA, जो आपकी जो think tanks हैं, उनमें जो diplomatic studies का आजकल in universities in the US and UK, diplomatic studies एक नया subject evolve हो रहा है, तो वहां पढ़ाने की जरूरत है कि despite facing such heavy odds, इतनी बड़ी imperialist powers से जूझने के बावजूद जो महाराणा प्रताप ने और महाराव सुल्तान ने जो डिप्लोमेसी की, उसको हमें पढ़ने की जरूरत है. बिकॉज वी ऑल नो अबाउट गलवान घाटी, वी ऑल नो दैट इन द कमिंग टाइम्स इंडिया इज फेसिंग ग्रेव चैलेंज फ्रॉम न्यू इंपीरियलिस्ट पावर्स. सो हमें हमारा करिकुलम, हमें हमारा सिलेबस वापस रिवाइव करने की जरूरत है. एंड स्पीकिंग अगेन ऑफ अनदर ऑब्जर्वेशन, दातानी के युद्ध के अलावा भी कुछ ऐसे युद्ध हुए थे. मैं आपसे अर्ज कर रहा था, देयर वाज अ बैटल एट वास्तानेश्वर जी, वास्तानेश्वर महादेव ढलान रे मायने, एक महादेव जी बहुत फूटरो मंदिर आयो है, तो देयर इज अ ब्यूटीफुल मंदिर. और वहां पे देयर वाज अ बैटल ऑफ वास्तानेश्वर, जिसमें महाराज सुल्तान के आने की जब खबर मिली तो इंपीरियल फोर्स भाग खड़ी हुई, उन्होंने युद्ध भी नहीं किया. जैसे कि गिरधरदान साहब फरमायो के हामी वह सुल्तान तो कौन करे संग्राम. When you know that Sultan is your adversary, nobody is going to fight for you. So, coming to the last portion of the lecture, the promise, I am touched, I am deeply touched with the passion with the Sharma. Sir, mere ye guru hain. Jaisa ki maine aapko kaha, I was taught by the best historians of the country and the world, but सुल्तान का पूरा ज्ञान मुझे अरुण शर्मा साहब से मिला, महाराव साहब से मिला. महाराव साहब टॉट मी, टोल्ड मी मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स. सो आपको सलाम. और मैं जाते जाते आपको प्रॉमिस करना चाहता हूं सर, कि जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय में, जोधपुर विश्वविद्यालय में, दिल्ली यूनिवर्सिटी से यू विल गेट फुल सपोर्ट. वी हैव अ सेंटर ऑफ म्यूजियोलॉजी एंड कॉन्जर्वेशन इन राजस्थान यूनिवर्सिटी विच इज अंडर माई सुपरविजन. आपको जिस तरीके की भी जयपुर से सहायता, इंटेलेक्चुअल मदद चाहिए, वी आर देयर फॉर यू. आप वी आर जस्ट अ फोन कॉल अवे, आप हमें आदेश फरमाइए. वी विल गिव, वी विल, हमारे पुरखे जो थे दे गिव देयर ब्लड एंड स्वेट टू द आइडियाज ऑफ फ्रीडम, बट एटलीस्ट वी कुड गिव सम स्वेट टू द ब्यूटिफुल आइडियाज दैट यू आर गैदरिंग. एंड ऑल्सो आई वुड like to urge that in the same way ki jo aane wali peedhiyan hain unko hum naye sire se itihas padhayenge, unko hum naye sire se itihas likhenge. Aaj jo aap sab log yahan par padhare hain, ye ek ordinary statue unveiling ki ceremony nahi hai, ye koi bahut hi chota sa event nahi hai, samaroh nahi hai. This is a gaurav utsav, ye to ek kadi hai, ye to ek snowball effect hoga is cheez ka. महाराव सुल्तान को आज हम स्मरण कर रहे हैं, हमें हमारे इतिहास के ऐसे कई महान हस्तियों के सैक्रिफाइस को इतिहास करना पड़ेगा, इतिहास को पुनः नए ढंग से लिखना पड़ेगा. हमें सिर्फ ये पढ़ा दिया जाता है कि मोहम्मद गजनी आया, मोहम्मद गोरी आया. वी आर नॉट टॉट दैट फॉर 450 इयर्स द ब्रेव हार्ट्स ऑफ राजस्थान दे एक्टेड एज अ वॉल अगेंस्ट अरब इन्वेजन्स. बप्पा रावल का नाम लें आप पुलकेशन सेकंड, बैटल ऑफ नवसारी की बात लें, नागभट्ट सेकंड की बात लें. सो वी हैव टू रीराइट द होल हिस्ट्री. आबू के ही एक बहुत ही धुरंधर लड़ाके थे जो परमान ध्रुव थे. सो वी हैव टू रीराइट द हिस्ट्री. सो आई वुड एंड ऑन दिस नोट
and we would definitely rewrite history. Thank you for coming and thank you for inviting me here. Have a nice time in Mount Abu. Thank you. I now supplicate. So scholars, thanks a lot for watching this video. I hope you must have enjoyed it. Aapko kuch seekhne ko mila hoga. Please do like it, share it, and also subscribe to our channel Academia. Thank you. Have a nice day.